So hello everyone, Arena, and I'm back with a new video for the ICSE Physics 2021 examination. So without wasting any time, let's begin. Now, in front of you, you have the trend analysis made from the last 3 years paper. Now, in this trend analysis, you can definitely see that each and every chapter, जो हर एक chapter है वो important है. अगर तुम लोग को high score करना है, then you don't have to leave any chapter. तुम लोग कोई भी चैप्टर लीव नहीं कर सकते क्योंकि एज यू ऑल कैन सी दैट ईच एंड एवरी चैप्टर हैज एंड वेटेज टुवर्ड द बोर्ड पेपर. सो कोई चैप्टर को लीव नहीं करना है. द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू मेक इन हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है. भले ही कुछ चैप्टर लाइक द चैप्टर लाइक लाइट द चैप्टर लाइक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आर स्लाइटली मोर इम्पॉर्टेंट बट यू हैव टू ट्रीट एवरी चैप्टर इक्वली. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल स्टडीइंग द फिजिक्स. ठीक. द नेक्स्ट थिंग इज जो तुम लोग का एक स्लाइट एडवांटेज हिस्सा है दैट इज द रिड्यूस लेबर. यहाँ पर तुम लोग के सामने यू ऑल कैन सी द रिड्यूस लेबर इन द आईसीएसई फॉर द आईसीएसई 2021 एग्जामिनेशन. इन द रिड्यूस लेबर तुम लोग के मेजर कहा जाए टेक्निकल टॉपिक्स थे जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स थे वो हट गए, उनको करके बाहर निकाल दिया गया है. सो ये तुम लोग का एक प्लस पॉइंट है. इस प्लस पॉइंट को तुम लोग यूज कर सकते हो फिजिक्स में बहुत हाई स्कोर करने के लिए. माइंडेड जैसे तुम लोग देख सकते हो कि जो ये माइक्रोस्कोप था, लोकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, ये सब थोड़े टफ टॉपिक्स थे. साउंड में लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, ये सब पे डिपेक्ट करना कि कौन सी सब्जेक्टिव है कौन सी ऑब्जेक्टिव है, ये सब चीज़ें थोड़े टफ टॉपिक थे, ये हट गए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो यह पूरा ड्रॉप हो गया. एंड कैलोमेट्री में बहुत सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल बचे हैं हमारे पास. हाँ, करेंट में भी बहुत सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल बचे हैं. सो तुम लोग के पास बहुत हाई एडवांटेज है ये सब चीज़ें करने का, हाई स्कोर करने का. सो ये रिड्यूस लेवल्स को तुम लोग के लिए बहुत एडवांटेजेस है, इस पर ध्यान देना. ना द नेक्स्ट थिंग डैट वी हैव इज कि जो फिजिक्स का पेपर आता है, तो इफ़ यू ऑल ऑब्जर्व द पेपर दैट कम्स ऑफ फिजिक्स दैट कम्स इन थ्री पोर्शन. द फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव, द सेकेंड वन इज द डायग्राम बेस्ड एंड थर्ड आर द न्यूमेरिकल बेस्ड. जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन ए में पूरे होते हैं एंड जो डायग्राम एंड न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं वो तुम्हारे सेक्शन बी को कंप्राइज करते हैं. ठीक. नाउ सेक्शन ए और सेक्शन बी की दोनों को सॉल्व करने की अप्रोच डिफरेंट है. दोनों के लिए तुमको चैप्टर को एक डिफरेंट अप्रोच से डील करना पड़ेगा. अब तुम लोग के सामने एक रफ एस्टिमेट मैंने यहाँ पे ये एक चार्ट्स कहीं से मिल गए थे तो वहाँ से मैंने ले आया हूँ. सो एज यू कैन सी कि हर चैप्टर से कुछ एवरेज 5 to 6 न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, हर चैप्टर से अप्रॉक्स 3 to 4 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर चैप्टर से अप्रॉक्स 6 to 7 ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूछे जा रहे हैं. ठीक. सो कोई भी चैप्टर मैंने जैसा कि कहा कि लेस इंपॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर चैप्टर को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना है अपन लोगों को. ठीक. नाउ ये तो ऐसे रफ चार्ट था. नेक्स्ट द मेन टिप है वो यहाँ से चालू होती है कि अगर तुम लोग ने फिजिक्स नहीं आती है, फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ते हो, अभी तक पढ़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जब जिस मोमेंट से ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से ये डिसाइड कर लेना कि तुम लोग को अगले 12 दिन तक ये चीज़ फॉलो करनी है फॉर दी चैप्टर. जो तुम लोग की कौन साइज सेलिना बुक है, ये बेस्ट बुक है. अगर कोई के पास नहीं है या प्लीज़ देख लेना कि कौन साइज सेलिना ही बेस्ट प्रेफर्ड है. जब तुम लोग कौन सा सेलिना पढ़ रहे हो तो तुम लोग को एक वे है जिसमें उसको पढ़ना है. देर इज अ वे टू रीड द होल बुक, टू रीड अ चैप्टर. तुम लोग ने चैप्टर पिकअप किया, यू पिकअप द चैप्टर सपोज हाँ करंट. इफ यू पिकअप द चैप्टर द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज रीड द होल चैप्टर. तुम लोग ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा चैप्टर रीड कर लिया. जब फर्स्ट टाइम में तुम लोग रीड करो तो तुम लोग को एक पॉइंट पर ध्यान देना है दैट इन द फर्स्ट रीड you have to go from line by line, तुम लोग line by line पे गए and you have to understand that what the chapter is trying to convey to you. You have to try to understand the chapter, you have to go try to understand each and every line and word. कहीं पर भी डाउट हो मार्क कर लो. फर्स्ट रीड में मार्क कर लिया कि हाँ यार मेरे को यहाँ पे डाउट है, यू मार्क इट एंड जब चैप्टर एंड हो गया फ्रेंड से पूछ लिया, कोई से पूछ लिया, टीचर से पूछ लिया या हमारे जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप बने वहाँ पर पूछ लिया, तो यहाँ पर तुम लोग डाउट पूछ लो. ठीक. ये फर्स्ट रीड में ध्यान रखना कि तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर पूरी क्लियर हो गए, बिल्कुल सट से क्लियर हो जाए. सेकेंड रीड में क्या करना है, तुम लोग को चैप्टर्स को याद करना. अब द थिंग इज कि डेफिनेशन भैया डेफिनेशन याद नहीं होती, क्या करें.
अगर तुम लोग ने चैप्टर को समझ लिया है तो तुम लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन रेप्लिकेट कर सकते हो फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग। कोई चीज़ की भी डेफिनेशन तुम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से रेप्लिकेट कर सकते हो, एग्जैक्टली बता रहा हूँ। सो अगर तुम लोगों ने चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो समझने के बाद ही याद करना, तभी एडवांटेज होगा। एक ही रीड में पूरा करने की कोशिश मत करना, ठीक। अब जैसा कि सामने लिखा है कि रीड द चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लर्न द चैप्टर, ये सेकंड रीड के बाद हो रही है, एज गिवन इन द बुक। अब क्या होता है कि तुम लोगों ने एक बार चैप्टर रीड कर लिया, लर्न भी कर लिया, बहुत बार होती है कि फॉर्मूले में कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हो। जो फॉर्मूले में जैसे कुछ बेसिक चीज़ें भूल गए, तो उनको बचाने का क्या तरीका है कि यार हमारे पास एक जगह फॉर्मूले लिखा हो कि बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले मैं क्या करूँ, बस वो फॉर्मूले की लिस्ट खोल के एक बार रिवाइज कर लूँ कि यार क्या क्या फॉर्मूला है। तो उसके लिए तुम लोग के पास वो फॉर्मूले की लिस्ट तो होनी चाहिए ना, तुम लोग कार आदमी हो। तो क्या करना है, उठाओ एक पेन पेपर उठाओ या हाँ रजिस्टर का लास्ट पेज खोलो एंड वहाँ पर तुम लोग सारे फॉर्मूले लिख दो। जब वहाँ पर तुम लोग सारे फॉर्मूले लिख दोगे तब क्या होएगा, तुम लोग के पास एक जगह हो जाएगा जहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए होंगे एंड उस फॉर्मूले में जब तुम लोग लिख दो हर चीज़ मार्क करो कि जैसे तुम लोग का फॉर्मूला है टॉर्क का फॉर्मूला है कि टॉर्क इक्वल टू एफ इनटू डी। तुम लोग ने क्या लिखोगे, टी इक्वल टू एफ इनटू डी ऐसे लिखोगे फॉर्मूला, ताऊ इक्वल टू एफ इनटू डी। सो तुम लोग ने ताऊ से आरो बना के मार्क लिया कि ताऊ इज टॉर्क, एफ इज फोर्स, डी इज डिस्टेंस। ऐसा करके करोगे तो तुम लोग के माइंड में रिटेनिंग पावर और इंक्रीज होती रहेगी। सो ये तब ये यार चैप्टर को याद करने का, जब चैप्टर याद हो गया तब तुमको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने, डोंट डायरेक्टली जंप टू द एक्सरसाइजेस, क्योंकि तुम लोग एक्सरसाइजेस पे जंप कर जाओगे अगर कोई क्वेश्चन पे स्ट्रक हो गए तो तुम लोग उस पर स्ट्रक रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ना है, कोई दिक्कत नहीं है, माइंडेड कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सरसाइज करने से पहले क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तुम लोग क्या करो, चैप्टर फर्स्ट बार में रीड करके अंडरस्टैंड किया, सेकंड बार में लर्न किया, थर्ड बार में क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है तुम लोग का, एग्जाम्पल सॉल्व द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स तो तुम लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट की हाउ और न्यूमेरिकल कैसे डील होता है, ये सब चीज़ें कैसे डील होती है वो मिल जाएगी, ठीक। अब तुम लोग के एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल्स के बाद तुम लोग को अब जाके एक्सरसाइजेस पे स्किप होना है। जब तुम लोग अब जाके एक्सरसाइजेस पे स्किप हो गए तब क्या है, अब तुम लोग के पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द चैप्टर की है कि यार थ्योरी में ये है, डेफिनेशन ये है, फॉर्मूले ये है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे तुम लोग की एक्सरसाइजेस भी बिल्कुल क्लियर कट शॉर्ट निकल आएगी, ठीक। ये है वे टू डील अ चैप्टर। अब मैंने जैसा कि कहा था तुम लोग से कि जो हमारा फिजिक्स का पेपर है वो तीन पार्ट में है, ऑब्जेक्टिव, डायग्राम बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है मैंने कहा था वो पूरा सेक्शन ही होता है। सेक्शन ही तुम लोग का कहाँ से निकलेगा, जो तुम लोग ने फर्स्ट रीड में चैप्टर को पढ़ा और उसकी अंडरस्टैंडिंग की, इससे तुम लोग का सेक्शन ही पूरा क्लियर कट शॉर्ट निकल गया, ठीक। जो सेकंड और थर्ड चीज़ है, जो सेकंड है कि लर्न द चैप्टर और थर्ड है कि एग्जाम्पल ऑफ बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो, इससे तुम लोग का सेक्शन भी पूरा क्लियर कट शॉर्ट निकल जाएगा, ठीक। क्लियर कट शॉर्ट निकलने का मतलब इन सबको करने के बाद ऐसा कोई चीज़ रह नहीं जाएगा जिससे तुम लोग ये बता सको कि ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं है, तुम लोग सब कर चुके होगे ना। तुम लोग के इस बार 11 चैप्टर्स हैं, आज अगर तुम लोग 23 को जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस दिन देख रहे हो, तो तुम लोग के पास अभी 5th तक का अपना प्लान बना लो कि यार मुझे 5th तक ही 11 के 11 चैप्टर्स खत्म करने हैं। 11 के 11 चैप्टर्स खत्म करने उसका मतलब क्या हुआ, रीडिंग द चैप्टर, लर्निंग द चैप्टर, सॉल्विंग द एक्सरसाइज एग्जाम्पल एज वेल एज द बैक एक्सरसाइज। और तुम लोग कहोगे कि भैया टाइम नहीं है, तो अभी टाइम नहीं है तो कभी कब टाइम मिलेगा जाके ये सोचना, ठीक है। सो जिस दिन से वीडियो देख रहे हो वीडियो बंद करके तुरंत बना लेना कि मुझे ये इस दिन ये वीडियो इस दिन ये चैप्टर देखना है, इस दिन ये चैप्टर देखना है, इस दिन ये चैप्टर देखना है एंड गोल पे स्टिक रहना। आज अगर कह दो कि आज मैं फोर्स एंड वर्क पर एनर्जी पूरा निपटा लूँगा तो आज फोर्स एंड वर्क पर एनर्जी निपटा लो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडे ओनली, ठीक ना। जब तुम लोग ने ये सारे चैप्टर्स एक बार कर लियो, जब तुम लोग 5th के बाद जैसा कि मैंने कहा कि 11 चैप्टर है, जब तुम लोग ये 11 चैप्टर कर लियो तब तुम लोग को क्या करना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज सॉल्व द पास 6 to 7 ईयर्स पेपर, जो बोर्ड के पेपर्स है वो 6 to 7 ईयर्स एटलीस्ट सॉल्व करो। जब तुम लोग 6 to 7 ईयर बोर्ड के पेपर सॉल्व कर लोगे तब तुम लोग को एक कॉन्फिडेंस टाइप का हाँ डेवलप होगा कि हाँ यार बोर्ड के क्वेश्चन तो मैं निकाल लेता हूँ आराम से, ठीक। और द मेन थिंग इज कि जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तब
अच्छा रहता है, क्योंकि द मेन थिंग इज कि जब तुम लोग वहाँ पर बैठते हो बोट में तो तुम लोग को कॉन्फिडेंस ही चाहिए होता है कि हाँ यार आई हैव स्टडीड, मैंने पूरा अपना दिया है एंड पेपर में फोड़ करा हुआ, तो वही होना है कि लास्ट 6 to 7 ईयर पेपर जब तुम लोग कर लोगे तो तुम लोग में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अब जब तुम लोग 6 to 7 ईयर पेपर कर लिए, अब क्या करना है, आफ्टर सॉल्विंग द 6 to 7 ईयर पेपर नाउ यू हैव टू डू द मॉडल पेपर स्लैश सैम्पल पेपर जो तुम लोग कहते हो, एंड आई वुड पर्सनली रिकमेंड ओसवाल के करो, क्योंकि ओसवाल के मैंने खुद की इसलिए मैं सबको वही रिकमेंड करता हूँ। एंड डोंट डू द चैप्टर वाइज, जो चैप्टर वाइज चलते ना कि चैप्टर वाइज पी वाइज यू नेवर डू दैट, दे आर द वर्स्ट थिंग फॉर यूर, डू द लास्ट 6 to 7 ईयर पेपर देन डू द मॉडल स्लैश सैम्पल पेपर्स। अब जाके तुम लोग के पास टाइम बचे तो क्या करना है, प्री बोर्ड के पेपर, जो प्री बोर्ड के पेपर्स है वो कर लो अपलोड, जो हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड है और हमारे ग्रुप पे भी डले हुए अप्रॉक्स 200 स्कूल्स के वो डले हुए, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड ये सब करने के बाद टाइम बच जाए तब क्या करना है, तब जाके तुम लोग क्वेश्चन बैंक कर सकते हो ओसवाल का। पर अभी जैसे तुम लोग के पास बस 1 month 10 days है, तू भी अप्रॉक्स हो 1 month 10 days में तुम लोग को फिजिक्स के 11 चैप्टर करने हैं और उनके 6 to 7 पेपर्स करने हैं, मॉडल पेपर करने हैं, जो पेपर एंड मॉडल पेपर करोगे तो वो भी टाइम बाउंड में करने हैं। अप्रॉक्सिमेट ले रहा होगी हर पेपर का 2 घंटा में सबका लेके चल रहा हूँ, एक्स मैक्स भी हर पेपर 2 घंटे का ही होगा, सो तुम लोग को 2 घंटा रोज पेपर सॉल्विंग में भी देना पड़ेगा। इसलिए अभी से जिस टाइम से वीडियो देख रहे हैं उस टाइम से फर्स्ट थिंग क्या करनी है, वीडियो देखने के बाद तुरंत लिख दो कि यार इस दिन मुझे ये करना है, व्हाइल डूइंग द चैप्टर प्लीज जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना, तुम लोग का फिजिक्स का पेपर क्लियर कट शॉर्ट निकलेगा 95+ के क्लियर डन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और वो घंटी का आइकन दबा देना तो नोटिफिकेशन मिल जाती है। ठीक ओके बाय एवरीवन, शुभ अकेर सी या बाय।